पेपर तो गोबर ही आ रहा बिल्कुल लड़का भाई, अगर तैयारी करने वाला वो 65 कर दिया होगा आराम से। अच्छा, 2D में बहुत इजी आया, 2D 3D में से एक क्वेश्चन बना है कि गोले का क्षेत्रफल और गोले का आयतन का अनुपात। अच्छा, मतलब कि क्षेत्रफल आयतन से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या क्वेश्चन याद है कुछ बताओ पेपर के बारे में भाई? पुष्कर सिंह धामी जो है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आया था। अच्छा, और एक आया था जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं नदियों के कि कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है। और मैथ्स में जैसे कि प्रॉफिट वगैरह तो बहुत आसान आ रहा हो, प्रॉफिट लॉस। हाँ, एक इलेक्शन से आया कि इतने परसेंट उसे मिले वोट, इतने परसेंट उसे, तो वो इतने परसेंट इतनी वोटों से जीत गया तो कुल कितनी वोट, ये आया पहले से बनता रहा। अरे वो जो 2D में बहुत इजी आया, 2D 3D में से एक क्वेश्चन बना है कि गोले का क्षेत्रफल और गोले का आयतन का अनुपात। अच्छा, मतलब कि क्षेत्रफल आयतन से कितना प्रतिशत अधिक है या फिर कितना परसेंट। तो अनुपात पूछा था निकालने के लिए, गोले का क्षेत्रफल गोले के आयतन से आयतन का कितना परसेंट है ये। अच्छा, प्रतिशत सीधा सा आया, बिल्कुल 50% आएगा उसका। तो कोई GS में क्वेश्चन याद? हाँ, GS में सर्वनाम से पूछ रहा है हिंदी में, थोड़ा मतलब संज्ञा सर्वनाम कारक इन ने पूछ रहा, कारक हमारी में ना आया। लेकिन तो कितने क्वेश्चन गए तुमने? 70 करेंगे। 70 कितना है चांस कोई कि कितने नंबर बन सकते हैं? चांस पूरी फाइट है जी, हो सकता है। हाँ जी, होएगा, डेफिनेटली होएगा। अब के जो पेपर चल रहा है इसमें बंदे जितने भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 80 वाले भी और 50 वाले भी, सभी यूँ ही कह रहे हैं कि भाई आपका होना जरूरी। तो क्या लग रहा है कि कितने परसेंट वालों का होगा, 50 वालों का भी होगा या 60 वालों का होगा? ना जी, कुछ ज़्यादा जो अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ गलत भी होंगे इनमें, लेकिन मेरिट जो जाएगी ना, पेपर ना ज़्यादा कमज़ोर है ना हार्ड है, 55 के समथिंग फाइट में रहेगा बालक जो 55 क्वेश्चन कर रहा हो। बिल्कुल, चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। के हिसाब से सही है पेपर, मतलब इजी ना कह सके ज़्यादा ना हार्ड कहेंगे, सही है, प्रेशर हैंडल करो सफलता मिलेगी। कैसा गया क्वेश्चन पेपर? ए, पेपर तो गोबर ही आ रहा बिल्कुल लड़का। भाई अगर तुमने ठीक ठाक पढ़ रखो होगा ना तो तुम कम से कम 65 तो लगा ही आओगे। 65 जो बढ़िया तैयारी करने वाला, बढ़िया तैयारी करने वाला वो 65 कर दिया होगा आराम से। अच्छा, लगा पा रहे 60-70 पे भी जा रहे, 65-70 आराम से जा रहे। आधे तुक्के वाले तो निकाले GS में, तुक्के बजा रखे इन्होंने। तुक्के कम से कम 10-15 तो भाई GS में 10 तुक्के भाई, अपने स्कोर अप और डाउन कर रहे हैं। 9-10 है करने वाले, जो 9-10 जिसने ठीक पट रखी होगी वो कर सके बस 9-10। मैथ में क्या हिसाब होगा? भाई मैथ में अगर जिसने ठीक पट रखा वो भाई कम से कम 17 खेल देगा आराम से, टाइम में 20-22 मिनट बचाओ मैथ क्लियर आराम से तो आराम से 17 खेल देगा। रीजनिंग कितने टाइम में हो सके भाई? रीजनिंग 20 मिनट में हो जाएगी आराम से। रीजनिंग में फंसाने वाले क्या आ रहे हैं, जिनका चिन्ह बदले हैं वे फंसाने वाले आ रहे हैं वसीब जा, क्योंकि सारे बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर में ऐसे, तो तुम सोचोगे डिफरेंस करके आंसर आ जाएगा तो बिल्कुल एक दो दो का ही डिफरेंस है, पूरे करके देखना पड़ेगा वो। नो फंसा देंगे तो मैक्सिमम कितने नंबर तक बन सकते हैं मेरिट कुछ भाई? मेरिट देखा जाए इस पेपर के हिसाब से तो भाई 55 है और 62 के बीच में रहेगी मेरे हिसाब से, तो जनरल वालों की जो सही अटेम्प्ट करगा होगा। और जो तुक्के वाले हैं भाई इनके नंबर घटेंगे, देख साहब सीधी सी बात है, बहुत घटेंगे। वाला तो मारा जाओगा जरूर हैं, तुक्के वाला तो मारा जाओगा, तुक्के वाला अग्रियो मारा जाओगा भाई। 0.5 की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जितने भी है 60-65-70 से ऊपर जा रहे सब सारे सारे घट जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, 100 तक नीचे चले जाएंगे, फिर रोएंगे बैठ के। बताओ क्या पेपर आया? हमने तो भाई दूसरे नंबर पर करा था GS, पहला था GS में था कि जिप्सम को कितने डिग्री टेम्परेचर पर पिघला जाए कि वो सल्फर हार्ड ऑक्साइड में बदल जाए। साइंस में कोई क्वेश्चन याद है? यही था साइंस से। हाँ, और एक था कि हड़प्पा का जो द्वार है वो कौन से उससे है, मतलब साउथ से और नॉर्थ से, ईस्ट से, ऐसे था। और एक था कि ऑर्डिनरी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है, और एक था मैथ में। हाँ, एक मैथ मैथ उल्लंघन का प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद में है? एक राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल शामिल थे? हाँ, कितने खेल शामिल? 44 लगाया था हमने, तो 44 सही था। 44 अरे एक था आया था सुंदर का पर्यायवाची, सुंदर उसका मणि का लगाया था, मणि का था पर्यायवाची मणि। और मैथ में आया था एक था आर्टिकल 19-18 उपाधियों का अंत, वो आया था आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और कुछ
कुछ नहीं है। तो मैथ किस टाइम किया आपने? स्टार्टिंग में लास्ट में किया? लास्ट में मैथ हुआ, लास्ट में किया था, मगर मैथ के लिए टाइम कम रह गया था, मगर मैथ हल्का आया था। मैथ का क्वेश्चन आया था कि 10,000 कौन सा पोर्शन करना चाहिए शुरू में? तो हमने तो रीजनिंग करा था, रीजनिंग आ रहा था, रीजनिंग ही सही था वैसे तो, मगर हमने इस चक्कर में रह गए रीजनिंग में। हमने सोचा रीजनिंग के क्वेश्चन सारे करने चाहिए, क्यों रीजनिंग हल्के होते हैं, मगर हमें ये पता नहीं था मैथ में जो है हल्के क्वेश्चन दिए हैं, तो इसलिए चक्कर में रह गए। तो कोई इससे पहले भी एग्जाम दिया आप लोगों ने? हाँ दिया, जीडी का दिया, यही 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पिछली बार भी दिया था? पिछली बार दिया था, आपके 70 करें। तो जो जिन बच्चों का आगे आने वाले टाइम में पेपर है उन्हें क्या कहना चाहते हो? उनका ये कहूँगा कि मैथ से डरे नहीं और मैथ से जो है अपना टाइम बचा के करें। अगर रीजनिंग में ये भी ना हो या क्वेश्चन तो मैथ में जो है अपना टाइम दें। अच्छा मैथ में? हाँ। तो मैथ में कितने क्वेश्चन तक कर सके बंदा बस मैक्सिमम? मैक्सिमम मैथ में अगर सही तरीके से 20 भी कर सके। हाँ सही तरीके से होगा फिर भी तो 18 क्वेश्चन तो हो सकता है, 15 क्वेश्चन कर सकता है। मॉडरेट जो बंदा है वो 15-16 क्वेश्चन कर सकता है, कर सकता है। जो कम पढ़ा हुआ है वो 10-12 क्वेश्चन तो बहुत इजी आ रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन हार्ड है जो कैलकुलेटिव में बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं है। रीडिंग में 3-4 क्वेश्चन एनालॉजी सीरीज से आ रहे हैं कि सीरीज अगली सीरीज में क्या होगा, D3 से आ रहे हैं, और डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था आज, डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था, और रिलेशन से था सिंबल वाले आते हैं, जैसे डॉलर का सिंबल पिता दे रखा है, प्लस का सिंबल माता दे रखा है, तो इस तरीका से था एक, और कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे। किसी में प्लस 2 करवा रहा है तो प्लस में -2 करवा रहा है, किसी में 1-2-3 प्लस करवा रहा है। ब्लड रिलेशन से बस एक क्वेश्चन था, एबीसीडी वाला वैसे नहीं था, डायरेक्ट नाम बता के दर्पण था, दर्पण नहीं था, दर्पण नहीं था, आया दर्पण से कोई क्वेश्चन, दर्पण से कोई क्वेश्चन नहीं था। ओवरऑल कैसा पेपर गया आपका? पेपर तो बढ़िया था, पेपर अच्छा था, क्वेश्चन भी बढ़िया आए थे। कितने टाइम कर लिया? मैंने 65 कोर्स अटेंड करे, 65 क्वेश्चन। तो तैयारी कैसी थी आपकी? तैयारी बढ़िया थी, देखो हैं, पहले भी करी, पहले भी दिया था पेपर। हाँ जीडी का ही दिया था? जीडी का पेपर दिया था पहले। कितने बन पाए थे उसमें? लगभग 82 के समथिंग करे थे हमने। हाँ तो मेरिट में आ नहीं पाए थे? नहीं उसमें मेरिट में नाम नंबर नहीं आया था। तो और कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग बस? ठीक है भाई, धन्यवाद। तो भाई ये जो देखा आप लोगों ने एनालिसिस था 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का, और आगे भी एनालिसिस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई।